अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे, तो वहीं हजारों की भीड़ के बीच में भगवान रघुनाथ के दर्शन के लिए मंच से भी नीचे उतरे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को भी भीड़ को व्यवस्थित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों की भीड़ के बीच उतर गए और उन्होंने भगवान रघुनाथ का भी आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान भगवान रघुनाथ के आशीर्वाद के तौर पर उनकी टोपी में पवित्र पगड़ी भी बांधी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अटल सदन के बाहर बने मंच से ही भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा का नजारा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ही पीएम मोदी मंच से नीचे उतरे और सुरक्षा कर्मियों के साथ में भगवान रघुनाथ के रथ की ओर निकल लिए। पीएम मोदी को मैदान की ओर आता देख भीड़ भी उनकी ओर मुड़ गई और सभी लोग ये नज़ारा अपने मोबाइल में कैद करने में छुट गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान रघुनाथ के रथ के पास जाकर जहां भगवान रघुनाथ के दर्शन किए, तो वहीं उन्होंने भगवान के रथ के बारे में भी रघुनाथ के छड़ीवतार महेश्वर सिंह से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने रथ के साथ खड़े देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लिया और भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह के साथ हुए दशहरा उत्सव को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।